Good morning to all of you. Today's chapter is festivals or festivals. I hope you know about festivals. Festival क्या होते हैं? इसके बारे में तो आप जानते होंगे ना? Then like होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये सारे जो भी हैं, जितने भी अपने, ये क्या है? फेस्टिवल है. कुछ फेस्टिवल देखो, ये इनकी भी अपनी अपनी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है? तो कुछ फेस्टिवल तो होते हैं डिफरेंट टाइप के, इनके रिलीजियंस के अकॉर्डिंग भी होते हैं. लाइक ईद, ईद मुहर्रम, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, ये मॉमडन्स इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. तो ये इस टाइप से जिसका जो भी रिलीजियन है, जिसका जो धर्म है, उसके अकॉर्डिंग अपना, सबका अपना अपना क्या होते हैं, अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं. एज वी नो दैट मतलब जो अपना क्रिसमस है उसको अपन सभी सेलिब्रेट करते हैं, बट वो क्रिश्चियंस का होता है. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, जो फेस्टिवल्स हैं वो लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है. द सेम वे दैट पीपल इन ए फैमिली सेलिब्रेट बर्थडेज, ठीक है. और उसी टाइप से आपको क्या करना है, मतलब जैसे, मतलब आप क्या होते हैं कि मतलब जब फेस्टिवल होता है तो बहुत सारे लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, जैसे बर्थडे पे होते हैं एंड एनिवर्सरीज पे, जैसे बर्थडे एंड एनिवर्सरीज पे लोग इकट्ठे होते हैं, वैसे ही फेस्टिवल से भी, फेस्टिवल्स पे भी क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं. इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ठीक है. जो इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है. तो इंडिया में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं. देन फेस्टिवल्स आर टू टाइप्स, और जो फेस्टिवल्स होते हैं अपने टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है. और टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी अपन बात करेंगे. दीज आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, ओके, एंड नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है. फेस्टिवल्स जो टू टाइप्स के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स. अब देखो इनके बारे में भी अपन बात करेंगे कि जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो कैसे होते हैं. लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ के बारे में अपन स्टडी करेंगे. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल. अब देखो अपन देखेंगे कि जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं वो कौन से होते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल. एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, दिस इज दशहरा, ओके. नाउ सम फेस्टिवल्स सच एज दिवाली, ठीक है. जैसे दिवाली अपना फेस्टिवल है, अभी आने वाला है, ठीक है. एंड होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ठीक है. ये जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे अपने को ये क्या होते हैं, अपने स्पेशल रिलीजियस के लिए होते हैं. जैसे अगर अपने, अगर बात की जाए होली की, तो आपको पता होता है कि होली पे अपन क्या करेंगे, अपने माइंड में एक स्टोरी बन जाती है कि होली पे अपन क्या करते हैं, होली का दहन करते हैं, ठीक है. और अपन कलर, कलर का भी अपना एक स्पेशल माना जाता है, ठीक है, होली पे. और अगर दिवाली की बात करें तो अपन सभी मानते हैं कि हाँ, अपने तो भगवान राम की पूजा की जाती है, ठीक है, अपन दिए जलाएंगे. तो इस टाइप से अपने माइंड में एक डायग्राम बन जाता है कि दिवाली का नाम आते ही अपन ये सोचते हैं कि हाँ, ऐसी ऐसी स्टोरी है कि वो जो उनकी, जो भगवान राम है, अपने रामायण जो है उसकी स्टोरी है वो अपने पूरे माइंड में बन जाती है. इसी टाइप से ईद, होली है अपनी, उसकी भी अपनी एक स्टोरी होती है. ईद पे भी अपनी एक स्टोरी होती है. इसी टाइप से क्रिसमस है, ठीक है, वो भी एक इसी टाइप से स्टोरी होती है. ये अपना उनका मतलब रिलीजियन होता है, सबका अपना धर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग टाइप से स्टोरीज हैं और वो अपने माइंड में आ जाती है जब भी अपन इन फेस्टिवल्स का नाम लेते हैं तो, ठीक है. और इसी तरह से गुरु पर्व भी होता है, एटसेट्रा. आर कोल्ड आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, ठीक है. इन फेस्टिवल्स को अपन क्या कहेंगे, रिलीजियस फेस्टिवल. वी हैव ग्रेट फन ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, ठीक है. ये जो भी फेस्टिवल्स हैं अपने, ठीक है, इनके अलावा और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो अभी अपन ने, लाइक रक्षाबंधन, ठीक है. तो अपने भी ऐसे और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं. इन फेस्टिवल्स, इन सभी फेस्टिवल्स को अपन क्या कहेंगे, रिलीजियस फेस्टिवल. वी हैव ग्रेट फन ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, ठीक है. और हम क्या करते हैं, जब फेस्टिवल्स होता है तो हम बहुत सारा इंजॉय करते हैं. वी ड्रेस अप इन न्यू क्लोथ्स, ठीक है. और हम क्या करते हैं, न्यू क्लोथ्स वियर करते हैं,
ओके वी इंजॉय स्पेशल डिशेस, ठीक है, न्यूक्लियस तो अपन वियर करते हैं, इसके अलावा अपने ये जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं इन पे अच्छी अच्छी डिशेज भी बनाई जाती है. ओके देन वी फुली इंजॉय दीज डिशेज एंड वी ग्रीट ईच अदर, ठीक है, और हम क्या करते हैं एक दूसरे से अच्छे से अपन मिलते हैं. ओके देन वी इंजॉय, अपन इनको भी इंजॉय करते हैं. ओके एंड बहुत अच्छे से मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके अपन मिलते हैं. देन दशहरा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, ठीक है, जो दशहरा है, ठीक है, वो कैसा है, हिंदुओं का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, जो हिंदू धर्म है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है. इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द एविल्स, ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन क्या हुआ था कि मतलब बुराई पे अच्छाई की विजय हुई थी, ठीक है, विक्ट्री क्या हो गई, विजय, तो इस दिन माना जाता है कि बुराई पे क्या हुआ था, अच्छाई की विजय हुई थी. देन इट इज ए 10 days फेस्टिवल, ठीक है, और ये जो फेस्टिवल होता है दशहरा, ये 10 days का फेस्टिवल होता है. ओके एंड फॉर 9 days रामलीला इज शोन ऑन स्टेज, और 9 days तक क्या होता है कि जो रामलीला होती है वो स्टेज पे शो की जाती है. ऑन द 10th day, और 10th day को क्या होता है, द एफिग इज ऑफ रावण कुंभकर्ण एंड मेघ नंदा आर बॉन्ड, ठीक है, और उस दिन फिर क्या होता है कि जो रावण है कुंभकर्ण है इनका क्या होता है, इनको मतलब इनका स्टैचू बनाया जाता है और फिर उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है. दशहरा इज ऑल्सो कॉल्ड विजयादशमी, और जो दशहरा होता है उसको विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है. अंडरस्टैंड, तो इनका जो स्टैचू होता है वो क्यों जलाया जाता है, क्योंकि इस दिन ये माना जाता है कि इस दिन क्या हुआ था, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, ठीक है, तो जो भी बुरी चीजें हैं उसको ये मान के जलाया जाता है. अंडरस्टैंड नाउ, इन वेस्ट बंगाल दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा, और जो वेस्ट बंगाल है उसमें क्या होता है, जो दशहरा है वो ऐसे मनाया जाता है जैसे अपने यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाई जाती है. अपन सभी जानते हैं कि अपने आसपास मतलब स्पेशली अगर अपन बात करें तो मतलब सबके घर के आसपास में एक या फिर मतलब आसपास में किसी न किसी घर पे कोई ना कोई दुर्गा पूजा जरूर हो रही होती है, ठीक है, तो अपन सभी लोग दुर्गा पूजा जैसे मनाते हैं वैसे वेस्ट बंगाल में दशहरा मनाए जाते हैं. ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दशहरा एंड रिलीजियस फेस्टिवल. ओके देन नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.